हेलो दोस्तों, सिनेडिट मैजिक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो कलर ग्रेडिंग के ऊपर है। तो दोस्तों इस फुटेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करके इस फुटेज पे आप रेस्ट्रिक कर सकते हैं। और जो दोस्तों इस वीडियो को हमने खींचा है S-Log2 पे, और जो दोस्तों मैंने कैमरा यूज किया है M4। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरीके से आपको अपने लॉग वीडियो को कलर ग्रेड करना है। जैसे दोस्तों ये मेरा फुटेज है, देख सकते हैं आप, इसको मैं ला करके अपने टाइमलाइन पे रखूंगा डन। और थोड़ा सा मैं टाइमलाइन को जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसका ड्यूरेशन में सेट कर दूंगा डन दोस्तों। तो दोस्तों ये फुटेज मेरा आप देख सकते हैं, ये सोनी M4 कैमरे से मैंने शूट किया है, और जो दोस्तों शूट किया है मैंने S-Log2 पे। ओके, तो दोस्तों इसको किस तरीके से ग्रेड करना है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो सिंपल दोस्तों, आपको पहले अपने बीन के अंदर आना है। बीन के अंदर जैसे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ नीचे दिख जाएगा न्यू आइटम। तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा एडजस्टमेंट लेयर। तो सिंपल दोस्तों आपको एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेना है और ओके कर देना है डन। तो इस एडजस्टमेंट लेयर को दोस्तों ला करके अपने क्लिप के ऊपर रख देना है। ओके, तो दोस्तों जब भी आपको अपने फुटेज पे कलर करेक्शन करना हो या कलर ग्रेडिंग करना हो दोस्तों, आप हमेशा एडजस्टमेंट लेयर पे ही आपको करना है। ओके, तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर रख दिया है। तो सिंपल आपको अपने एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ऊपर आपको यहाँ दिख जाएगा वर्क स्पेस, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा कलर, तो सिंपल इसके अंदर आपको चले जाना है डन। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर दिख जाएगा बेसिक करेक्शन, तो सिंपल दोस्तों इसके अंदर आपको चले जाना है डन। इसके नीचे दोस्तों आपको दिख जाएगा इनपुट लट, तो यहाँ पे दोस्तों अभी नॉन है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा अमीरा डिफॉल्ट लॉक C2 REC709। तो सिंपल दोस्तों इस लट को आपको अप्लाई कर देना है डन। जैसे दोस्तों मैंने अप्लाई किया, देख सकते हैं मेरा फुटेज एक बार में ही सेट हो गया। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों आपका बिफोर और ये है आफ्टर। मैं FX बटन ला करके रख लेता हूँ यहाँ पे डन। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका बिफोर और ये है आफ्टर डन दोस्तों। ये जो दोस्तों अमीरा डिफॉल्ट लॉक C2 REC709 जो लट है दोस्तों, ये एडोब प्रीमियम इनबिल्ड ही आपको देता है अपने प्रीमियम प्रो में। तो दोस्तों सिंपल आपको इसको अप्लाई करना है। अब उसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा मैं अपने फुटेज को करेक्ट करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एक एडजस्टमेंट लेयर ला करके अपने क्लिप के ऊपर और रख देना है। ओके, जैसे दोस्तों मैंने रख दिया है। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फुटेज में वाइट लेवल ज्यादा है, तो मैं सिंपल दोस्तों वाइट थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ा दूंगा डन। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा हाईलाइट को कम करूंगा। ओके, और थोड़ा सा मैं शैडो को। ओके दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका बिफोर और ये है आफ्टर। देख सकते हैं दोस्तों मैंने थोड़ा सा सिर्फ बेसिक करेक्शन में काम किया, तो मेरा फुटेज यहाँ से यहाँ आ चुका है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों मैं अब थोड़ा सा अपने फुटेज पे कलर पे काम करूंगा। तो आपको करना क्या है, एक एडजस्टमेंट लेयर और ला करके रखना है इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों अब आपको चले जाना है कर्व के अंदर। तो सिंपल दोस्तों कर्व के अंदर जैसे आप आएंगे, तो दोस्तों नीचे आपको आना है, आपको यहाँ दिख जाएगा ह्यू वर्सेस सैचुरेशन डन। तो सिंपल दोस्तों आपको इसको पकड़ना स्लाइडर को यहाँ से दोस्तों, इस तरीके से आपको एक मार्क लगा देना है, और दोस्तों आपको नीचे की तरफ इसको ऐसे पुश कर लेना है डन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फुटेज ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक आपको यहाँ पर एक टिक लगाना है, एक टिक आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, अब उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ इसको कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने फुटेज को सेट करना है अच्छे से डन। अब उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ही दिखेगा ह्यू वर्सेस ह्यू।
उसके बाद दोस्तों आपको येलो और ग्रीन पार्ट को सिलेक्ट करना है और बीच में से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ पुश कर दूंगा, डन। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसमें दिख जाएगा कलर व्हील एंड मैच। तो सिंपल दोस्तों इसके अंदर आपको चले आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। जो शैडो है दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन की तरफ करूंगा, डन दोस्तों। और जो दोस्तों मिड टोन है हल्का सा मैं इसको येलो की तरफ पुश करूंगा, येलो और रेड के बीच में, ओके। और जो दोस्तों मेरा हाईलाइट है, हाईलाइट को मैं हल्का सा मैं येलो और ग्रीन के बीच में लूंगा, ओके दोस्तों, डन। अब दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरा बिफोर और ये है आफ्टर, डन। देख सकते हैं दोस्तों एक मूडी टोन क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल आपको कर्व के अंदर चले जाना है। कर्व के अंदर जैसे आएंगे दोस्तों थोड़ा सा मैं मिड टोन को बढ़ा दूंगा और हल्का सा मैं कंट्रास्ट लेवल को ऐड करूंगा, डन दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये है मेरा बिफोर और ये है दोस्तों आफ्टर। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ऊपर दिख जाएगा क्रिएटिव। तो सिंपल दोस्तों आपको क्रिएटिव के अंदर चले जाना है। क्रिएटिव के अंदर दोस्तों आप जाएंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेगा, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। तो सिंपल दोस्तों आपको पहले वाइब्रेंस को बढ़ा देना है, डन। उसके बाद दोस्तों आपको सैचुरेशन कर देना है 110, डन। तो दोस्तों थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं कम कर दूंगा 105, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएटिव को बंद कर देना है और नीचे ही दोस्तों आपको दिख जाएगा विनियट। तो सिंपल दोस्तों इसके अंदर आपको जाना है और दोस्तों आपको यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, अमाउंट दिखेगा, मिड पॉइंट दिखेगा और राउंडनेस दिखेगा, उसके बाद फेदर दिखेगा। तो सिंपल दोस्तों आपको अमाउंट को हल्का सा कम करना है जिससे दोस्तों आपका जो व्यूअर का टेंशन है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे जाए। और दोस्तों जो आपका मिड पॉइंट है इसको भी हल्का सा मैं कम करूंगा, ओके, और फेदर को मैं इंक्रीज कर दूंगा, डन दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फुटेज कितना प्यारा लुक आ चुका है मेरे फुटेज में। एक बार दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों आपका आफ्टर, उसके बाद दोस्तों ये है आपका बिफोर। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना चेंज आ चुका है मेरे फुटेज में। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने फुटेज में एक ड्रीमी लुक क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा अपने लॉग वीडियो को इस तरीके से ग्रेड कर सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं फुल स्क्रीन अपने वीडियो को प्ले करता हूं। डन दोस्तों। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप यूज करके अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और बहुत ही प्यारा आप ग्रेड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों अपने लॉग वीडियो को किस तरीके से आपको कलर ग्रेड करना है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।